दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म के अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म है पिछले साल रिलीज हुई भारतीय बॉक्स ऑफिस और विदेशों के बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कमाई करने वाली रोबोट 2.0 के बारे में, जिसकी चाइना रिलीज अपडेट को लेके काफी लोग जानना चाहते हैं। दरअसल ये फिल्म 17 मई को चाइना के अंदर रिलीज होने वाली थी। चाइना में इस फिल्म को 57,000 स्क्रीन्स भी मिली है, लेकिन 26 अप्रैल को रिलीज हुई फिल्म एवेंजर्स एंड गेम के चलते चाइना के सिनेमाघरों से फिल्म रोबोट 2.0 को थोड़े दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। मेकर्स खुद मानते थे कि एंड गेम के आगे शायद 2.0 कुछ खास कमाल नहीं कर पाती, इसीलिए फिल्म की रिलीज डेट को चाइना से आगे कर दिया गया। अब जो नई रिलीज डेट की बात सामने आ रही है दोस्तों, वो फिलहाल नहीं है। फिल्म को जुलाई के महीने में चाइना के अंदर रिलीज किया जा सकता है और ये काफी बड़ी अपडेट है। जुलाई में इस फिल्म को लगभग 57,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा और जुलाई में कोई भी हॉलीवुड या बॉलीवुड की बड़ी फिल्म चाइना के अंदर नहीं जा रही है और ना ही चाइना में कोई फिल्म रिलीज हो रही है। ऐसे में चाइना में फिल्म सोलो रिलीज की जाएगी और वहां पे कम से कम 1,000 करोड़ का कलेक्शन एम करेगी। इसी साल रिलीज हुई फिल्म अंधाधुन ने चाइना के बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ का कलेक्शन किया। ऐसे में 2.0 से और भी ज्यादा उम्मीदें की जा सकती है। फिल्म रोबोट 2.0 का बजट 500 करोड़ रुपए था, जिसमें वो पहले ही मुनाफा कमा चुकी है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ओवरसीज लगभग 950 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन पहले ही कर लिया है, जबकि टीवी के प्रीमियर से इसको काफी ज्यादा फायदा हुआ और लगभग 1,000 करोड़ की प्रॉफिट के साथ फिल्म काफी अच्छी चल रही है। अब चाइना में फिल्म 1,000 करोड़ का कलेक्शन करती है तो दंगल और बाहुबली 2 जैसी बड़ी फिल्मों को पछाड़ के नंबर 1 बन जाएगी 2.0। दोस्तों, कितना एक्साइटेड है आप 2.0 के लिए, कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि बॉलीवुड से जुड़ी और भी अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।